लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई का एक्शन। सीबीआई की रेड पर राबड़ी देवी का रिएक्शन। वीडियो में देखें कि राबड़ी देवी ने क्या कहा। मैं क्या लग रहा है कि जो सीबीआई टीम आई है उसपे मैं क्या लग रहा है कि आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शुक्रवार को लैंड फॉर जॉब स्कैम में बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने दिल्ली, बिहार और यूपी के 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी लालू यादव और उनके करीबियों की यहां पड़ी है। इससे पहले सीबीआई ने सोमवार को पटना में राबड़ी देवी के आवास पर उनसे पूछताछ की थी। इसके अगले दिन सीबीआई की टीम दिल्ली में मीसा भारती के घर पहुंची थी। यहां सीबीआई ने लालू यादव से कई घंटों तक पूछताछ की थी। लालू यादव अभी दिल्ली में मीसा भारती के घर पर ही रुके हैं। आखिर क्या है लैंड फॉर जॉब स्कैम? लैंड फॉर जॉब स्कैम का यह केस 14 साल पुराना है। उस वक्त लालू यादव रेल मंत्री थे। दावा है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले उनकी जमीन लिखवा ली थी। बताते चले कि लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे थे। सीबीआई ने इस मामले में 18 मई को केस दर्ज किया था। सीबीआई के मुताबिक लोगों को पहले रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया और जब उनके परिवार ने जमीन का सौदा किया तब उन्हें रेगुलर कर दिया गया। सीबीआई का कहना है कि पटना में लालू यादव के परिवार ने 1.5 लाख वर्ग फीट जमीन पर कथित तौर पर कब्जा कर रखा है। इन जमीनों का सौदा नगद में हुआ था, यानी लालू परिवार ने नगद देकर इन जमीनों को खरीदा था। सीबीआई के मुताबिक ये जमीन बेहद कम दामों में बेची गई थी। रेलवे में नौकरी के बाद रिश्वत में जमीन लेने के आरोपों के मामले में सीबीआई जांच कर रही है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी जांच कर रही है। सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर दी। इस मामले में लालू यादव के करीबी व पूर्व विधायक भोला यादव और हृदय नंदन चौधरी भी अभियुक्त हैं। आरजेडी नेता लालू यादव ने ओसीडी रहे भोला यादव को सीबीआई ने 27 जुलाई को गिरफ्तार किया था। भोला 2004 से 2009 के बीच तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के ओसीडी रहे थे। ईडी के मुताबिक कुछ उम्मीदवारों के आवेदनों को अप्रूव करने में जल्दबाजी दिखाई गई। कुछ आवेदनों को 3 दिनों में अप्रूव कर दिया गया। पश्चिमी मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे ने उम्मीदवारों के आवेदनों को बिना पूरे पत्ते के भी अप्रूव कर दिया और नियुक्त कर दिया। कुल मिलाकर लालू यादव एंड फैमिली ने कथित तौर पर 7 उम्मीदवारों को जमीन के बदले नौकरी दी थी। इनमें से 5 जमीनों की बिक्री हुई थी जबकि 2 गिफ्ट के तौर पर दे दी गई थी। लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में हाल ही में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव के परिवार को समन जारी किया है। इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती को 15 मार्च को अदालत में पेश होना है। आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैम बार बार परेशान किया जा रहा है आप लोगों को? अरे हजारों बार परेशान कर रहे हैं हम लोग। 2024 से पहले क्या इस तरह के डराने की कोशिश लग रही है आप?